हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट को आपको पता ही है कि यूपी टेट के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, और आपको ये फॉर्म किस तरह भरना है, इसमें क्या करना है, वो सब प्रक्रिया सब प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। वन बाई स्टेप बाई स्टेप आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताऊँगा, आप कैसे भरना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन योग्यता वगैरह क्या होनी चाहिए, इसको कैसे भरना है। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों को पता चल सके यूपी टेट जो है, यूपी टेट का फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ उनको पूरा कम्प्लीट प्रोसेस उसको उनको पता चल सके। या दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 4 अक्टूबर है, वो आपकी लास्ट डेट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। जो आपको फ़ीस जमा करनी है, वो आपकी फ़ीस जमा करने की आपकी जो डेट रहेगी, वो आपकी 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और आप इस फॉर्म को जब फ़ीस जमा कर लो, आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाए, तो आपको 6 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को जो है प्रिंट आउट, अपना कंप्लीट फॉर्म का अपना प्रिंट आउट ले सकते हो। या दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म का फॉर्म आ गया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, वो सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम, जो आपका 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। आपको फिर मदर नेम और आपको फिर अपना फादर नेम यहाँ पर आपको डालना है। या दोस्तों, उसके बाद आपको अपना कम्प्लीट एड्रेस, फुल एड्रेस विज द पोस्ट पुलिस स्टेशन विद सहित, और अपना गृह जनपद वगैरह कंप्लीट आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको अपना, अगर कैंडिडेट जो वुमेन कैंडिडेट है वो मेरिड है, तो उसको हस्बैंड का नेम उसको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको भरना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या जनरल। उसके बाद आप आर यू डिसेबल्ड यानी फिजिकल हैंडीकेप है, तो आपको उस पर टिक कर देना है कि आप परसेंटेज आपकी वो डालना है। आपको यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन आपको यहाँ पर डालना है। अप्लाइड लेवल आपको डालना है कि आपको प्राइमरी या उच्च स्तर के लिए, कौन से के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको इश्यू टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको डालना है कि आपने की साइंस साइड से की हुई है, BA या BCOM, BSc या जो भी आपने किया हुआ है, कि साइंस है या आर्ट है, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आपकी BEd वगैरह जो आपने की हुई है, वो आपको यहाँ पे इस कॉलम में सभी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपके BTC है या DLED है या आपकी BEd है, क्या है आपकी स्पेशल BEd है, वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है, स्पेशल क्वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हुई है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि आपने कंप्लीट कर लिया है या आप अपेयरिंग में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जो आपको कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पे हाई स्कूल की आपको डिटेल डालनी है, हाई स्कूल का रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर और परसेंटेज आपको यहाँ पर कम्प्लीट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको हाई स्कूल के इस वाले कॉलम में, उसके बाद इंटर की ऐसे ही आपको इस कॉलम में, और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का भी इसी कॉलम में डालना है। और उसके बाद आपको, अगर आपने मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट के यहाँ पे डाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, और जब ऊपर आप सेलेक्ट करोगे कि आपने BEd या BTC जो किया है, वो नीचे यहाँ पर कॉलम पर आ जाएगा, और उसको आपको यहाँ पर
भर लेना है कि आपने उसमें आपके कितने मार्क्स है, कौन से सन में की हुई है, वो सारा कंप्लीट डिटेल आपको वो भर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन फ़ोटो सहित आईडी कार्ड जो होता है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, यहाँ पे दोस्तों बताने जा रहा हूँ कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे जो है इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट ही दिए हुए हैं, लेकिन कल की जो न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति दी गई थी उसमें दिया हुआ था कि यहाँ पे जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो भी ऐड करने जा रहे हैं। आज यहाँ आपका वोटर आईडी कार्ड भी ऐड हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करके वोटर आईडी कार्ड का भी नंबर डाल सकते हो। अगर आप दोस्तों के पास ये नहीं है, बहुत कैंडिडेट के पास ये वाली चीज़ नहीं है, तो वो अपना वोटर आईडी कार्ड डाल के वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ से सेलेक्ट करके लिख सकते हो। या दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको ये व्यू दिखाएगा। व्यू दिखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ोटो के साथ अपना सिग्नेचर नीचे वो वाला अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद ये प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू में आपको डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, नोट करके रख लेना है। और रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट होगा वो आपको प्रिंट कर लेना है या फिर अपना सेव कर लेना है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ दोस्तों उसके बाद आपको पेमेंट के लिए मांगेगा। आपको पेमेंट के लिए पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये मेरे हिसाब से आपको 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट होगा। पेमेंट के बाद आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आपका जो है वो 24 घंटे के बाद आपका फाइनल प्रिंट आपका जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको अपना फाइनल प्रिंट आपका निकाल के अपने पास सेव कर लेना है या फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लाना है फ्यूचर के लिए, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके कि आप उसको फॉर्म को कैसे भरना है। जहाँ दोस्तों दूसरी बात एक और कि न्यूज़ बाबा हमेशा गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता है, चाहे वो कोई नोटिफिकेशन हो, न्यू रिक्वायरमेंट हो, यो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, कोई भी फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप किसी भी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपका जहाँ तक होगा उचित से उचित आपको सोल्यूशन बताऊँगा। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है कोई अच्छी वीडियो, तब तक जय हिंद।